हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। एंड फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा था सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग्स, जो हमारी यूनिट थी यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम था सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग्स, तो इससे रिलेटेड हमने कई सारे टॉपिक्स को जो है ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो इसको आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं वन बाय वन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। देखिए, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। द लिक्विड्स विच डिजॉल्व इन वन अनदर ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट आर कॉल्ड पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। मीन्स ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में क्या होते हैं, पार्शियली मिसिबल होते हैं। मीन्स एक दूसरे में एक लिमिटेड क्वांटिटी में डिजॉल्व हो जाते हैं, ऐसे लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं, पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। एग्जांपल में देख लेते हैं, ईथर एंड वाटर। ईथर और वाटर को अगर हम मिक्स करें तो ये दोनों एक दूसरे में क्या है, पार्शियली मिसिबल है। आप इसको देखें इस लाइन में क्या लिखा हुआ है। ईथर डिजॉल्व अराउंड 1.2% ऑफ वाटर एंड वाटर डिजॉल्व 6.5% ऑफ ईथर। दे आर पार्शियली मिसिबल ड्यू टू देयर लिमिटेड म्यूचुअल सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो आप इसको यहां पर ऐसे समझिए, ये एक ईथर हमने लिया और एक ये वाटर लिया, दोनों की क्वांटिटी सेम है, 100 ml ईथर है और 100 ml ही हमारा वाटर है। ठीक, तो जब हम ईथर और वाटर को मिक्स करते हैं, तो अगर हम ईथर और वाटर को मिक्स करें तो अगर हम वाटर को ईथर में डालेंगे तो ईथर क्या करेगा, वाटर के 1.2% को डिजोल्व कर लेगा, और अगर हम ईथर को वाटर में डालें तो वाटर क्या करेगा, ईथर को 6.5% डिजोल्व कर लेगा। ठीक है, तो मीन्स क्या कहने का मतलब यह है कि ये दोनों क्या आपस में पार्शियली मिसिबल है। ये देखिए, आप इस डायग्राम में देखिए, ईथर और वाटर को जब हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ऊपर जो है आप देख रहे हैं ईथर की क्वांटिटी ज्यादा है, इसमें जो है 1.2% वाटर हमारा मिक्स हुआ है ईथर में, और नीचे आप देख रहे हैं इसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और इस वाटर में 6.5% हमारा ईथर मिक्स हुआ है। तो अगर वाटर और ईथर को मिक्स करते हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे में पार्शियली मिसिबल हो जाते हैं और टू फेज लिक्विड सिस्टम हमारा बन जाता है। यहाँ पर आप दो फेज देख पा रहे होंगे, ऊपर जो है इसमें क्या है, ईथर में हमारा वाटर का सोल्यूशन है और नीचे क्या है, वाटर में हमारे ईथर का सोल्यूशन है। ठीक, तो ये टू फेज लिक्विड सिस्टम बन गया, ये है हमारा पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। ओके, अब नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑन सेकिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ईथर एंड वाटर, वन लेयर ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ ईथर इन वाटर एंड अ सेकंड लेयर ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ वाटर इन ईथर इज फॉर्म्ड। तो जब हम इक्वल वॉल्यूम में ईथर और वाटर को लेकर सेक करेंगे तो क्या होगा, एक जो है वाटर की लेयर ईथर में बन जाएगी और एक ईथर की लेयर वाटर में बन जाएगी। ठीक है, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में दिखाया था। ठीक, नेक्स्ट लाइन में देखिए, तो ये जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हैं, इनपे जो है कुछ टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हैं एक दूसरे में कम्प्लीटली मिसिबल हो जाते हैं और हमारा वन फेज लिक्विड सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो देखिए कुछ जो है सॉल्यूशंस हैं जिनके बारे में हम टेम्परेचर की स्टडी करेंगे। लिखा हुआ है दीज टू सॉल्यूशंस आर कंजुहाम। तो ये हम ऊपर की बात कर रहे हैं अभी, ये जो ऊपर जो टू सॉल्यूशन का सिस्टम बना है, जो हमारा वाटर और ईथर का सिस्टम बना है, तो इन दो सॉल्यूशन को हम क्या बोले, कंजुगेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या पार्शियली मिसिबल लिक्विड सिस्टम, कुछ पार्शियली मिसिबल लिक्विड सिस्टम है, जैसे फिनॉल प्लस वाटर सिस्टम। दूसरा क्या है, ट्राई एथाइल एमीन, सॉरी गलत लिखा हुआ है, ट्राई एथिल एमाइन वाटर सिस्टम। ठीक, और थर्ड क्या है, निकोटिन प्लस वाटर सिस्टम। तो हम इसमें जो है सबसे पहले एक डिस्कस करते हैं फिनॉल प्लस वाटर सिस्टम, फिनॉल वाटर सिस्टम देखते हैं, ये दोनों भी पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हैं। डिटेल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑन सेकिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ फिनॉल एंड वाटर वी गेट टू लेयर्स। ठीक है, द अपर लेयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनॉल एंड द लोअर लेयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इन वाटर। मतलब यह है कि जब हम इक्वल वॉल्यूम में वाटर और फिनॉल को ले करके सेक करेंगे, जैसा भी डायग्राम में आपने देखा कि जब अभी हम वहां पर डायग्राम में ईथर और वाटर की बात किए थे, यहां पर हम फिनॉल और वाटर की बात करें। ठीक है, तो जब फिनॉल और वाटर इक्वल वॉल्यूम में ले करके हम सेक करेंगे तो होगा क्या कि हमको टू लेयर्स दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, वी गेट टू लेयर्स। तो जो अपर लेयर होगी उस सोल्यूशन में, जो अपर लेयर होगी उसमें क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनॉल। तो अपर लेयर में क्या होगा, फिनॉल ज्यादा क्वांटिटी में होगा, उसमें वाटर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, और जो लोअर लेयर होगी उसमें वाटर ज्यादा क्वांटिटी में होगा और फिनॉल कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये दोनों पार्शियली मिसिबल हैं, टू फेज सिस्टम बन जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर द कंपोजिशन ऑफ ईच सोल्यूशन इज मिक्स्ड एंड बोथ द सोल्यूशंस आर इन इक्विलिब्रियम। तो एक फिक्स टेम्परेचर पर क्या होता है कि ये जो सोल्यूशन के कंपोजिशन है, मीन दोनों जो टू फेज लिक्विड सिस्टम है वो क्या होंगे, कंप्लीटली एक दूसरे मिसिबल हो जाएंगे और हमारा वन फेज लिक्विड सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या लिखा है, द टेम्परेचर एट विच सच सोल्यूशंस आर कंप्लीटली मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शंस इज नोन एज द क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर और कंसोलिड टेम्परेचर। तो ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर ये जो हमारे पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हैं, जो टू लिक्विड सिस्टम आप देख रहे हैं, ये जब कंप्लीटली मिसिबल हो जाएं, तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या कंसोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है डिफिनेशन, ये एग्जाम में अलग से भी आ जाती है कभी कभी टू मार्क्स में, कि व्हाट इज क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर।
है। तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर दो होते हैं, एक अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर होता है और एक लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो आप इस फेज सॉल्युबिलिटी डायग्राम में देखिए, ये फेज सॉल्युबिलिटी डायग्राम जो है फिनॉल वाटर सिस्टम का है। तो इसमें जो आप जीरो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन, यहां पर हमारा 100% वाटर है और यहां पर हमारा 100% फिनॉल है, ठीक। ये लाइन थोड़ा बाय मिस्टेक हमने आगे बना लिया, इसको आप थोड़ा सा इधर से बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर 50 लग रहा है दोनों के बीच में, जीरो और 100 के बीच में 50 लग रहा है, ठीक है। ये 36 है, 50 नहीं है, तो इसको आप थोड़ा सा इधर बनाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, जो ये पॉइंट है यहाँ पर हमारा 100% वाटर है, ठीक, और जो ये पॉइंट है यहाँ पर हमारा 100% फिनॉल है। अब इस फेज सॉल्युबिलिटी डायग्राम में क्या क्या है आप देखिए, यहाँ पर नीचे देखिए, इस फेज सॉल्युबिलिटी डायग्राम में जो UCST है, मीन्स अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, मीन्स ऐसा टेम्परेचर जहां पर हमारे ये दोनों लिक्विड सिस्टम क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली मिसबल हो रहे हैं, वो क्या है 66.8 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए, जो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर ये 66.8 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स इस टेम्परेचर पर ये दोनों जो लिक्विड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट पर कंप्लीटली मिसबल हो जाएंगे और हमारे ओपन लिक्विड फेज या वन फेज लिक्विड बन जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, जो फिनॉल का परसेंटेज है वो 36.10% है और वाटर का जो परसेंटेज है इस सिस्टम में वो 63.90% है। कहने का मतलब है कि जब अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पर जो हमारा जो ये जो लिक्विड सिस्टम है, ये दोनों जो पार्शली मिसिबल लिक्विड्स हैं, ये कंप्लीटली मिसिबल हो जाएंगे और हमारा वन लिक्विड सिस्टम बन जाएगा। तो उस सिस्टम में जो फिनॉल है वो 36.10% होगा और जो वाटर है वो 36.90% होगा और ये फिनॉल वाटर मिलकर हमारा क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो ए से बी, ए के बीच, ए और बी के बीच में जो ये ए बी लाइन देख रहे हैं, ये ए बी, ये हमारी टाई लाइन है, ठीक, ये लिखा हुआ है टाई लाइन। और जो पॉइंट वाई फिनॉल इन H2O एंड पॉइंट वाई डैश क्या है, H2O इन फिनॉल, वाटर इन फिनॉल, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इस फेज सॉल्युबिलिटी डायग्राम में जो पॉइंट वाई है, इस पॉइंट पर क्या है हमारा फिनॉल क्या है, वाटर में, यहां पर आप देख रहे हैं, जब ये प्योर वाटर है, यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन इस साइड ज्यादा है और इस साइड फिनॉल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस वाटर की ज्यादा कंसंट्रेशन में ये जो फिनॉल है ये थोड़ा सा मिक्स हुआ है, यानी 11% इस 100% वाटर में 11% जो है फिनॉल मिक्स हुआ है, ठीक। और इधर पर क्या है, फिनॉल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक। तो यहां पर जो वाइड एस पॉइंट देख रहे हैं, यहां पर फिनॉल में क्या है, वाटर मिक्स हुआ है, ठीक। 63.10% फिनॉल में हमारा क्या मिक्स हुआ है, वाटर। तो Y जो है ये फिनॉल इन वाटर है एंड Y डैश क्या है, वाटर इन फिनॉल है, कितनी बात के लिए। अब आगे देखिए, जो पॉइंट X है ये कंजुगेट सॉल्यूशन मींस टू लिक्विड फेज, और जो एबव कर्व ACB है वो पॉइंट Z है, यहां पर वन होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ठीक। फिर से देखिए एक बार फेज सॉल्युबिलिटी डायग्राम को, तो यहां पर जो आप ये इन दोनों के बीच में जो पॉइंट X देख रहे हैं, ये क्या हमारा टू लिक्विड फेज है, जो पॉइंट एक्स है ये हमारा क्या है, टू लिक्विड फेज। कहने का मतलब है कि एक लिक्विड फेज इधर है और एक लिक्विड फेज इधर है और इन दोनों के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन आप देख पा रहे हैं, मतलब दूर से ही हमको दिखाई पड़ेगा कि ये जो है टू फेज लिक्विड सिस्टम है, ठीक। तो इनके बीच ये लाइन है जो कि एक्स है, बीच में दिखाया गया। और ये जो एबव कर्व ACB ये जो कर्व देख रहे हैं इसके ऊपर, यानी पॉइंट सी के ऊपर जो हमारा, इस टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा वन होमोजीनियस सॉल्यूशन तैयार हो जाए, यानी कि जो जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड से ये एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पार्शियली मिसिबल लिक्विड का कॉन्सेप्ट। तो इसी तरीके से जो आप देखेंगे ट्राइएथाइलेमीन वाटर सिस्टम या जो हमारा निकोटीन वाटर सिस्टम है, इन सबका भी फेज सॉल्युबिलिटी डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, इसमें एक ये टॉपिक है जो आता है एग्जाम में, मे बी 2 पॉइंट में पूछ लेता है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है। देखिए क्या लिखा है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एबव और बिलो विच द पेयर ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स बिकम्स कम्प्लीटली मिसिबल इन ऑल द प्रोपोर्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज कंसोलिड टेम्परेचर, ठीक है। तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर या जिसके नीचे जो हमारे पेयर ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हैं वो एक दूसरे में कम्प्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। तो ये जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है दो टाइप का होता है, एक अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर होता है और एक जो हमारा होता है लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, ठीक है। अपर क्रिटिकल और लोअर क्रिटिकल का मतलब यह है कि देखिए यहाँ पर आप डेफिनेशन में ही देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ऐसा टेम्परेचर जिसके एबव और बिलो, तो एबव अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर के एबव अगर हमारा जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स के जो पेयर्स हैं वो कम्प्लीटली मिसिबल होंगे तो वो हमारा होगा अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, ठीक। और अगर उस टेम्परेचर के नीचे ही हमारे जो पेयर ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हैं वो कम्प्लीटली मिसिबल हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, ठीक है।
तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो बीच में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।